यूज क्या है अगर आपको स्टेपनी बचानी है तो वीडियो पूरा देखना और गाइस इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि इस स्टेपनी का यूज वाकई कब करना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चेंज करते हैं सबसे पहले 2020 कोड आरएक्सएल की स्टेपनी सो so गाइस शुरू करते हैं अपनी कार से तो मेरी कार को हो गए हैं लगभग 1.5 साल सो so गाइस अभी मैंने स्टेप्नी निकाल ली है और इसको मैं लगाने वाला हूं अपनी गाड़ी के कंडक्टर uh, साइड जो को ड्राइवर सीट होती है उस तरफ़ आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हवा भी कम है और मुझे लग रहा है कि ये पंचर भी है तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसको लगाऊंगा बिकॉज़ ये नया है और इसको लगाना ज़रूरी है क्योंकि लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि यार ये ख़राब हो जाएगा वैसे वैसे कैसे अगर देखूँ तो अभी तक मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई हो और कहीं ना कहीं जो स्टेपनी है वो बिल्कुल सही है लेकिन ये ख़राब हो सकती थी ऐसा मुझे लोगों ने बोला तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और अभी इसको इसके अंदर फिक्स करते हैं तो गैस फाइनली चेंज हो चुकी है स्टेपनी और आप देख सकते हैं प्रॉपर मैंने इसको सही से फिट करवा दिया है जो यहाँ पे नट वग़ैरह हैं वो टाइट हो गए हैं और अभी इसका जो अलाइनमेंट है उसका भी मैं सोच रहा हूँ बिकॉज जब मैं गाड़ी हाईवे पे चलाऊँगा और वो थोड़ा सा भी डिसबैलेंस मुझे लगती है ऑब्जर्व करूँगा उसके बाद फिर मैं इसका अलाइनमेंट भी करवाऊँगा आई होप गाइज की वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी तरीके से बहुत सारे हेल्पफुल कंटेंट आपको कारण आपके यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट लिस्ट चेकआउट जरूर करिए क्योंकि यहां पे आपको कंप्लीट कंटेंट का इन्फॉर्मेशन प्लेलिस्ट के माध्यम से मैं देता हूं बाकी गाइज अगर बात करें स्टेपनी की तो सही यूज यही है कि आप अगर दो साल से गाड़ी चला रहे हैं और आपने स्टेपनी का यूज नहीं किया है तो आप बदल बदल के चारों टायर पर उस स्टेपनी का यूज कर लें जिससे कि जो नीचे की रबड़ होती है वो लेबलिंग में आ जाए लाइक जो लेबल होता है चारों टायर का वो बराबर रहे जिससे कि अगर इमरजेंसी में आप अपने तायर को यूज़ कर रहे हैं, तो आपका टायर प्रॉपर काम करे और आपको अलाइमेंट न करवाना पड़े अगर आपने दो तीन साल गाड़ी चला ली है और स्टेपनी है तो अलाइनमेंट तो तो नहीं करवाया लेकिन मैं इस वीडियो के बाद अलाइनमेंट भी करवाऊंगा जिससे कि प्रॉपर जो टायर का बैलेंस रबड़िंग है नीचे की वो प्रॉपर हो जाए और हमारा टायर ना जल्दी क्योंकि जब एक बैलेंस नहीं होगा टायर का तो वो जल्दी चाट